हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लाइक यमी फूड, लॉट्स ऑफ फन, ट्रैवलिंग, स्मैन और आयांश की मस्तियाँ। तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय माय ब्लॉग, सो लेट्स सी। मोस्टली मैं वीकडेज में लॉन्ड्री लंच के बाद करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी आयांश को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, देन ब्रेकफास्ट बनाना होता है, न जाने कितने सारे काम होते हैं, यू नो, छोटे मोटे, जो चाहकर भी मॉर्निंग में तो लॉन्ड्री नहीं कर पाती हूँ। पर आज तो संडे है और बच्चे भी सोए हैं, तो आज के दिन मुझे ब्रेकफास्ट और लंच बनाने की कोई भी जल्दी नहीं होती है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ, और वैसे भी वीकेंड है, वीकेंड में आफ्टर लंच अगर मौसम अच्छा हो तो हम मोस्टली कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान तो बना ही लेते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे या संडे आई फील लाइक कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपना सारा काम खत्म कर लूँ, ताकि मेरा सारा दिन एटलीस्ट यू नो काम से फ्री हो, तो मैं वीकेंड भी इंजॉय कर सकूँ। वैसे पता नहीं कि ऐसे क्यों होता है कि जिस दिन बच्चों को स्कूल जाना होता है वो उठते ही नहीं है। स्कूल जाने के लिए आयांश को हमें रोज़ सुबह उठाना पड़ता है, लेकिन वीकेंड में मेरे दोनों बच्चे सुबह सुबह उठकर रेडी हो जाते हैं बिल्कुल फ्रेश। तो मैं बस अपने थोड़े से ही काम निपटा पाई थी कि आयांश और स्मैन दोनों उठ गए हैं। तो फिलहाल दोनों को ब्रश कराकर मैंने उन्हें पीने के लिए दूध दे दिया है, और जब तक ये बच्चे दूध पियेंगे तब तक मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने पति देव की फरमाइश पर मुंबई स्टाइल पोहा बना रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारा प्याज और हरी मिर्च डाली है। आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने काफ़ी मिर्च यूज़ की है, पर यह ऐसा नहीं है, ये अमेरिकन मिर्च है, सिर्फ साइज़ में बड़ी होती है, वरना स्वाद में तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और पोहा में जब तक खूब सारा हरा धनिया ना हो तब तक पोहा खाने का असली मज़ा नहीं आता है। यहाँ मुझसे और भी यमी बनाने के लिए मैंने नींबू भी डाला है। तो इसी के साथ हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, आइए चलिए साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ मैं अपने कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल कर सूखने के लिए ड्रायर में डाल रही हूँ, ताकि मेरे लंच बनने तक मेरे कपड़े सूख कर रेडी हो जाएं। और अब मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत ही लंच बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि आज मुझे पकौड़े की कढ़ी बनाना है, और जिसे बनाने में रोज़ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लंच बनाना जल्दी शुरू कर दिया जाए, ताकि अराउंड 1 बजे तक हमारा लंच बनकर रेडी हो जाए। पकोड़े वाली कढ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन छान कर ले लिया है। कढ़ी बनाने के लिए चाहे आप दही ले लो या छाछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ दही यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 कप दही लगने वाले हैं। तो बेसन में मैं थोड़े थोड़े अमाउंट में दही डालकर उसका घोल बना लूँगी, ताकि बेसन में कोई लम्स ना रह जाए। अब बेसन के घोल में बाकी बची हुई दही भी डालकर बेसन में दही अच्छी तरह मिला ले। इसे बनाने में टोटल मैंने 3 कप दही का यूज़ किया है। अब इस दही और बेसन के घोल में मैंने 3 कप पानी भी ऐड कर लिया है। कढ़ी बनाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि बेसन का घोल थोड़ा पतला होना चाहिए। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो आप इसमें 3 से 4 कप तक पानी ऐड करके उसका अच्छी तरह घोल बना लें। अब एक बर्तन में मैंने तड़के के लिए 1 स्पून ऑयल लिया है, जिसे मैंने अराउंड 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर पानी में घोल बनाकर तेल में डाल तड़का दिया है। अब जितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हो। तड़के में बेसन का घोल डालकर तेज़ आँच पर चलाते रहे जब तक कि कढ़ी में उबाल ना आने लगे। जब आपको कढ़ी में उबाल दिखने लगे तब आप कढ़ी की आँच स्लो कर दें और धीमी आँच पर ढककर पकने दें। बीच बीच में चलाते रहे ताकि कढ़ी तले में ना चिपके। कढ़ी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 चम्मच बेसन लिया है, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी, मिर्च पाउडर और अजवाइन लिया है। लाल मिर्च पाउडर की जगह आप यहाँ पर हरी मिर्च भी ले सकते हो। मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे अराउंड 1/2 कप बारीक कटा हुआ ऑनियन लिया है, और एक मीडियम साइज़ का आलू भी लिया है। आलू ऑप्शनल है, ये पर्सनली मुझे कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मिला दिया है। हरा धनिया डालने से पकोड़े में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कई लोग तो पकोड़ा बनाते समय उसमें बारीक कटा हुआ पालक के पत्ते या स्प्रिंग ऑनियन भी डालते हैं।
इन शॉर्ट आप किसी भी तरह का ग्रीन्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट पकोड़े बनाने हैं तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक टिप है, आप यहाँ पर 1 या 2 चम्मच दही डाल सकते हो। दही से क्या होता है कि आपके पकोड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो पानी की हेल्प से मैं इन सारी चीज़ों का घोल बनाकर रेडी कर लेती हूँ। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मेरे घोल बना के रेडी है। आप चाहो तो पकोड़े को और भी सॉफ्ट बनाने के लिए 1/4 स्पून इनो भी डाल सकते हो। अब तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद मीडियम आंच पर आप पकोड़े तलना शुरू कर दें। कढ़ी के पकोड़े आप किसी भी आकार में बना सकते हो। मुझे तो स्पून से तेल में बेसन का घोल डालना ज़्यादा ईजी होता है। तो अच्छी तरह दोनों ओर से लाल होने तक तलकर पकोड़े बनाकर रेडी कर ले। कढ़ी पूरी तरह बनने में मुझे यहाँ 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। पकौड़े डालने से पहले ही मैंने कढ़ी की गैस बंद कर दी है। अब गरम गरम कढ़ी में ही मैं एक एक कर सारी पकौड़ियाँ डाल दूँगी। पकौड़ियाँ डालने के बाद उन्हें बस एक बार चला दे। ऑलमोस्ट ये रेडी है। यहाँ पर हमें बस एक लास्ट स्टेप करना है जो कि कढ़ी में तड़का देना है। तो तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पर 2-3 स्पून तेल लिया है। आप ऑयल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ मैंने 1/4 स्पून मेथी दाना, 1/2 स्पून राई जीरा और चुटकी भर हींग लिया है। इसके बाद ऑलमोस्ट 1 कप लंबे कटे हुए प्याज लिया है। अच्छी तरह भुने हुए क्रिस्पी ब्राउन प्याज कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप नहीं डालते हो तो एक बार ज़रूर डालकर ट्राई करना। कढ़ी बहुत ही स्वाद बनती है। प्याज के साथ यहाँ पे आप कड़ी पत्ता और हरी मिर्च भी भून लें। मैंने यहाँ पे करी लीव्स नहीं डाला है। कड़ी पत्ता डालना और खाना मुझे बहुत पसंद है, पर फ़िलहाल हम आउट ऑफ ग्रोसरी है और स्पेशली करी लीव्स लाने के लिए तो हमें इंडियन स्टोर जाना पड़ता है जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। और यहाँ के लोकल अमेरिकन मार्केट में बहुत से ऐसे इंडियन चीज़ें जो कि नहीं मिलते हैं, तो स्पेशली हम उन्हें इंडियन मार्केट से जाके लेकर आते हैं। वैसे अगर आपके पास करी लीव्स है तो ज़रूर डालना, वरना बिना उसके भी अच्छा ही लगता है। मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। गर्मा गर्म कढ़ी में तड़का डालकर उसे अच्छी तरह मिला ले। आप चाहो तो ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हो। और इसी के साथ मेरे पकौड़े वाली कढ़ी बनके रेडी है। ये कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप रोटियों के साथ भी इन्हें खा सकते हो। कढ़ी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने दाल मखनी और रोटियाँ बनाई है। लंच जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी मज़ेदार बना है। तो अराउंड 2 बजे तक हमने लंच कर लिया था। इसके बाद मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाकर बच्चों को बाहर जाने के लिए रेडी कर लिया है। तो अराउंड 3 बजे तक हम घर से बाहर जाने के लिए निकल गए थे। एक्चुअली हम शॉपिंग मॉल आए थे, तो आफ्टर शॉपिंग यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले यार्ड बना है जहाँ अयांश को खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो हम बच्चों को लेकर वहाँ चले गए। अयांश को तो हम यहाँ कई बार ला चुके हैं, बट स्मयन यहाँ पहली बार आया है और आई थिंक सो उसने यहाँ पर आकर बहुत इन्जॉय किया। दोनों बच्चे कंटिन्यूस खेल रहे थे, ऑलमोस्ट 45 मिनट तक बच्चे यहीं खेलते रहे। तो चले आपके साथ भी उनकी थोड़ी सी इन्जॉयमेंट में शेयर करती हूँ। तो लेट्स सी। Like it dance? Yeah, now I'm happy. That's now you're happy? Yeah. So you were sad? Yes. Because you did not get ice cream? Yeah. Now you're happy? Yeah. I got ice cream. Yes. How it is? Baby, are you happy? Baby's happy too. Your baby's happy too? Yeah. Can I eat your ice cream? Yeah.
कैन यू शेयर योर आइसक्रीम विद मी? यस, यू कैन शेयर विद मी। ओके। टेस्टी। एवरीवन लाइक टू ईट आइसक्रीम। राइट। तो यहाँ पर काफ़ी घूमने फिरने के बाद हम अराउंड 6 बजे तक मॉल से निकल गए थे, क्योंकि हमें आयांश के हेयर कट कराने के लिए सलून भी जाना था। मुझे अब भी याद है कि इस जगह पर हम 2 साल पहले भी आयांश को उसकी फ़र्स्ट टाइम हेयर कट के लिए लाए थे, और वो काफ़ी रो रहा था उस समय, बट अब तो वो हैप्पीली हेयर कट करा लेता है, यूज्ड टू भी हो गया है। और बेस्ट पार्ट ये है उसके लिए कि हेयर कट कराने के बाद उसे यहाँ पर लॉलीपॉप मिलती है। सच में बच्चे बहुत ही अमेजिंग होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के कॉमेंट का बहुत इंतज़ार होता है, तो इस वीडियो पर कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जल्दी ही मैं आपको एक नए व्लॉग के साथ में मिलूँगी। तब तक लाइफ में हैप्पी और पॉजिटिव रहे। And thank you so much for watching my video.